हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल की हर खबर आपको मिल सके। विद्या भवन गोविंद राम शिक्षक महाविद्यालय उदयपुर में हुआ सत्र 2023-24 पर 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, जिसमें शिक्षक को शिक्षा में कला एवं संस्कृति समांकन, जिसमें संगीत, नाटक, मुकाभिनय, आर्ट क्राफ्ट पर हुए कार्यक्रम। मंच का संचालन कार्यशाला समन्वयक डॉक्टर मालचंद ने किया एवं धन्यवाद डॉक्टर अख्तर बानो ने दिया। क्या हुआ? हम किस पे चढ़े थे? रस्सी पे चढ़े थे। रस्सी थी नहीं? तो इसको बोलते हैं आभासी अभिनय। आभासी मतलब क्रिएट इल्यूजन, इसमें कोई चीज नहीं होती, फिर भी पटन कर लेते कि हाँ ये चीज ऐसी है ना। हर दिन दिया नुहारा नबिया, नबिया मौज मलारा, असी देश दी चढ़दी मटक पुजारे पोते पोते, मटक पुजारे पोते पोते, चौकड़िया भर दे हर नोटे, नच दिया टप दिया डारा, असी देश दी चढ़दी राही, ओ आई सखिया दी टोली, ओ आई मिथिला दी टोली, हर कोई बोले प्यारी बोली, असी देश दी चढ़दी राही, जो सोने असी देश दी चढ़दी राही, असी देश दी चढ़दी राही, हां देखिए संगीत को हम समेकित कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, वो कहता है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु,
कुछ विषाण ही ना। मतलब यह है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विमुख है, जिसके पास ये नहीं है, वो पूंछ और सींग के बिना का जानवर है, जानवर है जिसके सिर्फ पूंछ और सींग नहीं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, तो इसलिए ये सारे ह्यूमन बीइंग्स की, सारे मानव जाति का ये, अगर हमें जानवरों से अलग होना है, जानवरों से अलग जो हम कहते हैं कि हम जानवरों से शायद ज़्यादा विकसित हैं, तो उसका एक इंडिकेटर ये है कि हमें साहित्य संगीत और कला में से प्यार है, या साहित्य संगीत और कला में हम निष्णात होते जा रहे हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम ये जो विद्यार्थी हमारे ये कल को शिक्षक बनने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने को या हम जिनको शिक्षित कर रहे हैं उनको हम स्थूल वासना के क्षेत्र से सूक्ष्म वासना के क्षेत्र में ले जाएं, और ये ले जाना, जो सूक्ष्म वासना के क्षेत्र में ले जाना है, इसके लिए हमें साहित्य संगीत और कला की बहुत ज़रूरत है। मैं डॉक्टर मालचंद काला देवल एस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 दिवसीय जो कार्यशाला हो रही है हमारी शिक्षक शिक्षा में कला एवं संस्कृति का समर्थन प्रोग्राम कन्वीनर हूँ, और ये हमारा 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें हम बीएड का हमारे जो स्टूडेंट है बीएड के उन सबको लेके हम वर्कशॉप मोड में काम करवा रहे हैं। इसमें हम अलग कला और संस्कृति और उसके अलग अलग आयामों को ले रहे हैं, जिसमें नाटक है, साइन है, क्राफ्ट है, म्यूजिक है, और इन सभी को लेकर के अलग अलग ग्रुप में हम बच्चों को बांट कर पहले ओरिएंट कर एक्सपर्ट के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा, और उसके बाद में उनका अभ्यास करवाएंगे। इसका मुख्य मकसद ये है कि ये बीएड के विद्यार्थी है, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इनको आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, और विशेष तौर से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस बात की जोर देते हैं कि एक अच्छा अध्यापक हो, न केवल विषय का ज्ञान हो बल्कि अपने कल्चर, अपने आर्ट, उनके बारे में भी अच्छी समझ होनी चाहिए, और वो चीज़ जो है कि ये सीखने के बाद में विद्यालय में लेके जाएंगे, क्लासरूम में लेके जाएंगे, और वहाँ पर भी बच्चों को इसके बारे में अवेयर करेंगे।